स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा खेला दे देखिए यस ऑन कार्ड हम ये थोड़ा सा कह सकते इंग्लैंड को टफ टाइम मिला है अपसेट होना डिफरेंट बिकॉज इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो उसमें बहुत फाँप फाँप ले है। लेकिन अगर बारिश ना होती तो शायद अपसेट हो जाता हाँ अब नहीं हुआ ना यही तो इफ एंड बट क्रिकेट इज इफ एंड बट है बट ये स्कॉटलैंड ने जिस तरीके से इनिंग को बिल्डअप किया है हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इंग्लैंड को इतना टफ टाइम बिकॉज उसमें जोफा आर्चर है उसमें बागमुट बॉलिंग कर रहे हैं उसमें आई I मीन mean, उनकी बॉलिंग जितना हम जितना इम्प्रेसिव बॉलिंग है उनकी उसके खिलाफ इतना स्ट्रॉग बैटिंग करना ये एक आई थिंक स्कॉटलैंड को ऑफ करना चाहिए उनको उनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने एक एक बहुत अच्छी बड़ी तगड़ी टीम को उन्होंने टफ टाइम दिया इंग्लैंड एग्जैक्टली इंग्लैंड की टीम की फॉर्म भी अच्छी जा रही थी अभी हमने पाकिस्तान वाली सीरीज तो देखी है देखिए फॉर्म पिछला वर्ल्ड कप जीता हुआ है ठीक है अब फॉर्म देखिए वर्ल्ड कप में यही होता है कि आप बहुत सी टीमें ऐसी होती हैं जो बड़ी अच्छी फॉर्म लेके आ रही होती हैं लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में आके उनकी फॉर्म बिल्कुल नीचे गिर जाती है बट कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो फॉर्म नहीं लेके आ रही होती मेरा इशारा पाकिस्तान <laughs> की तरफ है दे माइट हैव अ डिफरेंट साइड जब वो वो खेलेगी वर्ल्ड कप तो so आई थिंक uh, सिर्फ उस बेस पे छोटे से इंटरवल की बेस पे नो आई थिंक दस दस ओवर हुए थे दस ओवर की बेस पे हम स्कॉटलैंड को रूल आउट नहीं कर सकते और इंग्लैंड को भी रूल आउट नहीं कर सकते हम ये नहीं अखस कर सकते कौन सी टीम जो है वो जीती है कौन सी हारती है अब बारिश के अपना एक विकेट भी नहीं उनकी गिरी बिल्कुल देखे मे बी शायद आप जो बात कर रही है शायद अगले दस ओवरों में उनकी एकदम करें <laughs> तो ये इफेंट बट इस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं लेकिन इंग्लैंड का है कोई मैच नहीं है विद स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड कहाँ पे बट ये बात सच है कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड से कभी टी नहीं खेला ये पहली बार आपस में एक दूसरे के अप अगेंस्ट हुए इससे पहले वो खेले हैं सीरीज़ वो वनडे सीरीज़ खेले हैं तो एक सरप्राइज़ पैकेज था जैसे हमने पिछले शो में डिस्कस किया था कि ये स्कॉटलैंड होगी नेपाल होगी पी होगी ये तमाम टीम्स वो हैं जो इम्पैक्ट डालेंगी दुनिया के ऊपर कि हमारे में क्या कैपेबिलिटी है एक एक डाउनसाइड ये है कि ये लोग आपस में खेलते बहुत कम हैं फुल मेंबर तो हम देखते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड से खेल रहा है न्यूजीलैंड से खेल रहा है न्यूजीलैंड पाकिस्तान से खेल रहा है जो आठ नौ मुल्क हैं, वो है वो रेगुलर खेल रहे हैं पूरा साल लेकिन जो जो एसोसिएट कंट्रीज हैं या एफिलेट कंट्रीज़ हैं ये आपस में नहीं खेलते ये सिर्फ आई सी सी केवल में खेलते हैं तो इनके पास मौके बहुत कम होते हैं तो ये वर्ल्ड कप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिग्निफिकेंट है इन टीम्स के लिए अपने आपका इम्पैक्ट डालना दुनिया के ऊपर कि हम हम राइज़ कर रहे हैं हम हमारे में एबिलिटी है कि हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन अभी लॉन्ग शॉट है इस ग्रुप में स्कॉटलैंड की यस yes, आप नाइनटी रन इन टेन ओवर विदाउट विकेट ये बड़ा टेम्पटिंग लगता है सुनने में देखने में बट अगेन इंग्लैंड इंग्लैंड है आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते चले, आगे देख लेते है, हैं स्कॉटलैंड कैसे खेलते हैं इंग्लैंड कैसे खेलते हैं उमर हमने नेदरलैंड्स और नेपाल की गेम देखी ठीक है नेदरलैंड्स वन नेपाल का हमने देखा कि देवर लैगिंग बट मेरा सवाल आपसे ये है कि उनके एक प्लेयर हैं संदीप लामेचा है वो नहीं आ सके यू को उन्होंने दो दफ़ा वीज़ा की अप्लाई की वीज़ा उनका रिजेक्ट हुआ बिकॉज ही हैज़ बीन क्रिमिनली कन्विक्ट ऑफ सेक्शल हरासमेंट और अगर वो आते तो आपको क्या लगता है कि नैदरलैंड और नेपाल की गेम कैसे डिफरेंट होती है देखिए पहली बात आपकी आई थिंक उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंटरवीन करने की कोशिश की लेकिन उनको हेल्प नहीं हो सकी बिकॉज यार इंग्लैंड के कुछ यू के कुछ रूल्स होंगे उन्होंने नहीं अलाउ किया कि कैसे बंदे को जो कनेक्टेड है इस काम connected. के लिए और, और और जो हिस्ट्री थी जिस तरह इनकी पूरी चलती रही है कोर्ट केसेस चलते रहे उनको सी खेल रहे थे सी से वापस आए वो अपने आप को अरेस्ट करवाया तो काफ़ी एक एक बैड मेमोरी है विद संदीप लमे चैन और नहीं चाहेगा कोई कैसा बंदा जो कनेक्टेड है एक ऐसे एक एक बहुत ही स्टोपिड किस्म के हरकत जो उन्होंने अपने करियर को ख़राब भी किया और, और सोसाइटी में बात करें हर चीज़ हर लिहाज से वो बहुत उसको जितना डिस्करेज किया जाए जितना कंडेम किया जाए उतना कम है आ, रही बात क्रिकेट की ही ही वो द वंडरफुल क्रिकेटर इसमें कोई डाउट नहीं है नेपाल जैसे कंट्री से जहाँ पर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई है हाई फाई नहीं है वहाँ से निकल के दुनिया में नाम बनाना आई थिंक ये संदीप लमे चन्नी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको जब वो क्रिकेटर जब क्रिकेट खेल रहे थे वो टॉप लेवल पर आपने देखा बी भी खेले इवन कि आईपीएल पीएसएल uh, में भी वो खेलने आ चुके हैं आईपीएल में बेंच पे बैठे थे आई थिंक ये मैच खेले भी उनकी तरफ से के ही कुड हैव मेड अ डिफरेंस वो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर हैं और जिस पिच पे वो कर रहे थे आई थिंक नीदरलैंड का चार आउट हुए थे उन्होंने चेज चेस कर लिया था लेकिन उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ी थी चेस करते हुए आई थिंक उन्नीस ओवर में जाके उन्होंने चेस किया तो संदीप लम्बे से नहीं होता तो शायद ये जो छोटा सा मार्जिन है उन्नीस बीस का ये कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करता है और संदीप जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है वो जैसे हम, हम हर टीम में एक बैकबोन होती है हर टीम के जैसे पाकिस्तान की बैकबोन की बात करें तो हमारी बैटिंग की बैकबोन बाबर आजम है बॉलिंग की ब, बात करें तो शाहीन अफरीदी है।, है इंडिया की रोहित शर्मा है विराट कोहली है दे हैव दे मोर देन वन प्ले, टू प्लेयर्स इसी तरह हर टीम में तो संदीप संदीप कुड है मेजर डिफरेंस देखिए हार जीत बात की बात है जब आप टीम

तो आपका क्या ख्याल है कि आज हम अपसेट देखेंगे या इसी तरह होगी इंडिया के लिए? देखिए really जितने, जितने आईलैंड हम देखें जी देखिए अपसेट एक होता है कुछ टीम्स होती है वहाँ पे जैसे आप अपसेट करोगे ना पाकिस्तान का अपसेट हो जाए किसी तो आप थोड़ा बिलीवेबल होता है क्योंकि हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की हिस्ट्री है देखिए हर किसी का दिन होता है आशा आइलैंड का दिन हो जाए शायद शायद बिल्कुल होप करते हैं अगर ऐसा हो जाए बट ऑन पेपर हम बात करें प्लेयर टू प्लेयर बात करें हेड टू हेड बात करें स्किल सेट की बात करें uh,

कि एडलेट की बनी हुई पिचेज़ जो है यहाँ पे इंस्टॉल की गई है तो वहाँ पे इंडिया कुड हैव मेड इजीली इजी हाँ इस पर आप आर्ग्यू कर सकती हैं कि आइलैंड की पिचिज़ भी वहाँ पर सीम काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बाउंस भी होता है सीम जिसकी वजह से पाकिस्तान ने स्ट्रगल भी किया एक मैच भी पाकिस्तान आईलैंड से मोस्ट रिसेंटली आपको पता पिछले पिछले महीने हमने मैच भी वहाँ पर खा रहा है और काफ़ी क्लोज़ गेम हम जीते हैं

Uh, कुछ लोग उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं जैसे लेट से विराट कोहली की बात करें yeah. विराट कोहली फॉफ डिप्लेसी उनके साथ है क्लासन उनकी टीम में है तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो उनके साथ भी खेल रहे हैं अभी क्लासन सॉरी सनराइजर में है बट अगेन ड्रेसिंग रूम शेयर हो रहे हैं दे आर प्लेइंग विद दैम एंड आर अगेंस्ट दैम और उन सबको एक दूसरे की स्किल सेट का पता लग रहा है हाँ आप पिचिस पे आर्ग्यू कर सकती है कि सीपीएल में डिफरेंट पिचिस है पाकिस्तान में स्किल सेट डिफरेंट पिचिस डिफरेंट कर रही है लेकिन इंडिया की हिस्ट्री इंडिया ने कभी अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया लीग खेलने के लिए बट uh, अगेन जिस तरीके से वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं देखिए इसकी दो वजह हैं एक एक वजह तो यह कि वो अपने प्लेयर को एक्सक्लूसिव रखते हैं ठीक है। इंडिया की जो मार्केट है वो इतना पैसा प्लेयर को देती है कि प्लेयर के पास टाइम ही नहीं है कि वो कहीं और जाके खेले प्लेयर्स के वर्कलोड को मैनेज किया जाता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं उनके प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज किया जाता है क्योंकि साल हर साल उनका स्केडूल इतना टाइट होता है कि उनको जरूरत नहीं पड़ती देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान प्लेयर्स कुछ लड़के नहीं खेल रहे ठीक है और वो बेंच पे बैठे हुए हैं यहाँ या टीम से बाहर हैं उनके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लीग खेलें पैसे बना लें क्योंकि हमारी मार्केट इतना पैसा थ्रो नहीं करती प्लेयर्स के ऊपर इंडिया में इसका बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इकोनमी वाइज देखें क्रिकेटिंग इकॉनमी की बात करें तो इतना पैसा इन्वॉल्व है कि प्लेयर के पास कोई कहते हैं लर्क कर कोई उनको कर ही नहीं सकता कि भाई यहाँ पे हम आपको इतने पैसे देते हो भाई लालच नहीं उनको लालच नहीं है देखें स्किल सेट में दे यार उनके पास अपर हैंड है पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है तो उनको ज़रूरत नहीं है स्केज़ुलिंग उनकी अपनी जो उनकी अपनी नेशनल टीम की स्केज़ुलिंग है वो इतनी इतनी टाइट होती है कि उनको जरूरत नहीं पड़ती दी गोइंग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प, चार चार महीने वहाँ रहते हैं इंग्लैंड टूर होता है उनके वहाँ पर मैचेज लंबे होते हैं पाँच पाँच मैचेस की सीरीज़ खेलता है इंडिया चार चार मैचज़ की सीरीज़ खेलता है तो उनके पास इनफ मनी है इनफ क्रिकेट है तो वो पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं